इंशाल्लाह ठीक है, क्लास होगी। अच्छा ड्राइंग है, इसमें जो ड्रायर्स है ना, ड्रायर्स ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया है, मैंने सिलेबस भी स्टडी किया है, तो आपका जो डेफिनेशन और इक्विपमेंट्स, ठीक है जी। अब ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंसेस से, ठीक हो गया, पेज नंबर है 9, ठीक है जी। ड्राइंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस से जो कि हमारे पास कुछ अमाउंट अपने अंदर मॉइस्चर की या लिक्विड की रखता हो, और हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ इससे मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाए, और मॉइस्चर या वाटर, ठीक हो गया, और हमारे पास सॉलिड चीज़ आ जाए, ठीक हो गया। तो ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? खुश करना या ड्राई करना। ड्राइंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज रिमूव्ड, लिक्विड वाटर एटमोसफेयर सॉरी वेपर्स एक ही बात है, फ्रॉम अ मटीरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है जी, एंड इज अकम्प्लिश्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सरफेस इनटू एन अनसैचुरेटेड वेपर स्पेस, ठीक हो गया। क्या मतलब कि जब आप किसी भी मतलब है कि ड्राइंग का अमल करते हो, तो उसमें जो अमल होता है वो सतह पर होता है, जिससे वो लिक्विड फिर मकाम को छोड़कर आगे जाना शुरू कर देता है। ड्राइंग इज अ मास ट्रांसफर प्रोसेस। मास ट्रांसफर का मतलब क्या है? इसमें मतलब मास कहते हैं कमियत को, आम अल्फाज में यहां पर मास का मतलब ये है कि लिक्विड से सॉलिड बन जाता है या नरम से सख्त बन जाता है। मास ट्रांसफर कंसिस्टिंग ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और अनदर सॉल्वेंट बाय एवोपोरेशन, जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम ऐसे हासिल करते हैं, ऐसे मुकम्मल करते हैं कि जब हम उसको बुखारात या उसको कोई और चीज देकर हीट करते हैं, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है जी, या वो सेमी सॉलिड हो या लिक्विड हो, ठीक हो गया जी। तो एक आम अल्फाज में द प्रोसेस इन विच, ठीक हो गया, मॉइस्चर और अदर वाटर कॉन्टेनेंट्स आर रिमूव्ड, ठीक हो गया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और एनी अदर सोर्स इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है जी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ड्रायर्स हैं, लेकिन कुछ इसने इंग्लिश लिखी हुई है तो हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। नंबर वन क्या है जी? ड्राइंग इज कैरिड आउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। हम जब ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स किसको कहते हैं? दाने जो होते हैं, ठीक हो गया, कैप्सूल फ्लोविड के अंदर है, वोरिन के अंदर है, वगैरह वगैरह। तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले हम पाउडर होता है, पाउडर को हम पानी के अंदर घोल कर उसकी लीप बना लेते हैं, स्लरी बनाते हैं, और उसको फिर खुश करते हैं, ठीक हो गया। जब हम उसको खुश करते हैं ना, तो बजाय वो पाउडर बनने के दाने दाने बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप ट्राई कर लो, आप पतला आटे को पानी के अंदर पतली स्लरी बनाओ उसकी, और उसको फिर आप मतलब है कि उसके ऊपर रखो मतलब हीट के ऊपर, तवे के ऊपर नहीं, हीट के ऊपर, शोले के ऊपर या किसी चीज पर ना जो हीट हो, तो जब वो सूख जाएगा ना, तो वो दाने दाने बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स। तो ड्राइंग यूज फॉर ग्रेन्यूल फॉर्मेशन। टू प्रिपेयर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या कुछ ऐसी अदवायात हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड द एसिड दाफेट इजामियत, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज या पाउडर एक्सट्रैक्ट, ये हम इससे हासिल करते हैं। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ड्राइंग करने से तीसरा फायदा ये होता है कि जो प्रोडक्ट के अंदर मुस्तहकम होना है, स्टेबल होना है, वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब पानी मौजूद होगा तो आपको उसके नरम होने का, खराब होने का, या किसी बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ का या फंगस की ग्रोथ का आपको क्या होगा, डर होगा। टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब आप अगर किसी चीज को ड्राई करते हो, तो वाटर भी तो या वो जो लिक्विड होता है वो भी तो वजन रखता है ना, कि नहीं रखता? अगर मिसाल एक मट्टी का टोटा है, उसमें आप एक गिलास पानी डाल दो और उसको वजन करो, और दूसरी तरफ उतनी ही साइज का पत्थर वजन करो, तो दोनों में फर्क होगा ना। तो कहते हैं कि इससे क्या हो जाता है, उस चीज का वेट भी रिड्यूस हो जाता है, क्यों? कि जो मॉइस्चर है वो तो माइनस हो गया ना उससे।
टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इसके अलावा खुश्क चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी हमारे लिए आसान होता है। जैसे आप देखते हो जड़ी बूटियां वगैरह खुश्क की जाती हैं, ठीक है ना, और बहुत सी चीजें हैं, प्याज को खुश्क करके स्टोर रख देते हैं, या आपके जो चीज आती है वो देखो खुश्क होती है, अगर आप उसके अंदर वाटर कॉन्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्लियर है जी? अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। द इक्विपमेंट यूज फॉर अ ड्राइंग इज नाउन एज ड्रायर। लास्ट बात है, जो इक्विपमेंट ड्राई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसको ड्रायर ही कहोगे ना। द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड मेथड ऑफ ड्राइंग डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सेंसिटिविटी टू हीट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड अवेलेबल सोर्स ऑफ हीट। वालेकुम सलाम। कुर्सी अपने लिए ले आओ, ये नहीं वो पैर कुर्सी पड़ी है ना, ये अगर पड़ी है तो उठा कर ऐसे रखना ना, दस ना तो सब रवा लगे ना, सही है लास्ट में अल्लाह सुब्हान अल्लाह पता दी ना, ठीक है। ये यहाँ पर बिल्डिंग है, ठीक हो गया, यहाँ पर आपकी क्लास होगी, स्पेस ज्यादा हो जाए तो उससे बड़ा कमरा सामने है वो खोलेंगे, और सब बात है शोर शर नहीं है, बाइक की टेंशन नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो इधर रेगुलर अपनी क्लासेस नहीं, ठीक हो गया। कल एक क्लास का मैंने बता दिया तो ग्रुप में मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, अभी और अभी बता दूं, कल नहीं क्लास होगी, परसों और तरसों होगी, ठीक हो गया, वजह तो मतलब आपको बता दी है। अच्छा कहते हैं कि यार अब ड्रायर है, ठीक है, ड्रायर के मुख्तलिफ किस्म के हैं, हेयर ड्रायर भी है, ठीक हो गया। तो आप अभी मतलब है कि कौन सा ड्रायर इस्तेमाल करोगे, इसका ताल्लुक किस चीज से होता है, प्रोडक्ट की साथ, कि जो मैं प्रोडक्ट खुश करना चाहता हूं उसको क्या चाहिए, ठीक हो गया। मतलब बास ड्रायर बास सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट हीट चाहिए होती है, बास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको गर्म भाप चाहिए होती है, हीट नहीं चाहिए होती, ठीक हो गया। बास सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं उसे, शॉय केमिकल रेडिएशंस की जरूरत होती है। तो कहते हैं कि आपने कौन सा ड्रायर इस्तेमाल करना है, इसका ताल्लुक इस बात पर होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है। द ड्राइंग इक्विपमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं कि हमने जो ड्रायर्स है ना इनको दो तबई हालत जो होती है प्रोडक्ट की उसकी बुनियाद पर तकसीम किया गया है, तकसीम किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है दो हालतें कौन सी हैं, या तो लिक्विड है और या सॉलिड है, तो सॉलिड ड्रायर्स होंगे और लिक्विड ड्रायर्स होंगे। फिर लिक्विड में सस्पेंशन, इमल्जन, क्रीम, सिरप, ये फिर आप लिख सकते हो। समझ आ रही है, समझ आ रही है? यस सर, यस, ठीक है। ड्राइंग एक ऐसा अमल है जिसमें आप किसी भी दी हुई चीज से, ठीक हो गया, पानी या कोई और उसके अंदर मौजूद लिक्विड को रिमूव करना चाहते हो, ठीक हो गया, रिमूव करते हो, करना नहीं चाहते आप, रिमूव करते हो, ठीक हो गया। किस तरह से, हीट को इस्तेमाल करके, भाप को इस्तेमाल करके, शॉ को इस्तेमाल करके, इसका दारोमदार किस बात पर होता है कि वो प्रोडक्ट क्या चाहता है। जैसे हमने एक अमल पढ़ा था फर्स्ट ईयर में डेसिकेशन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यार हम ऐसे करते हैं कि ऐसे एक शेल्फ होती है उसके ऊपर हम दवाई रख देते हैं और नीचे जो है ना हीट देते हैं, तो ठीक है जी, उससे जो भाप बनती है ना वो भाप इस दवाई वाले अज्जा के साथ मिक्स होकर इसको खुश करती है और अलग करती है, याद है ना। अब इसको हम डायरेक्ट हीट क्यों नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कि अगर इसको हम डायरेक्ट हीट देते तो ये तो पौधा जल जाता ना, समझ आ रही है ना। तो कहते हैं कि ड्राइंग का ताल्लुक इस बात पर है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस खसूसियत का है, ठीक है जी। और दो तरह के ड्रायर्स हैं, ड्रम ड्रायर्स, इसके नाम मतलब है याद कर ले, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम करेंगे, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ठीक हो गया, सॉलिड वाले कौन से हैं, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर, फ्लूडाइज, बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर।